अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आपको क्या फैसिलिटी देती है। डिपेंडेंट वीज़ा में अगर आपके बच्चे 16 ईयर एज या उससे अप में हैं तो उनको यूके में फुल टाइम वर्क भी अलाउड होता है। इसके अलावा आपका जो स्पाउस होगा उसको भी फुल टाइम वर्क अलाउड होगा। वो सिर्फ ऐसी जॉब्स नहीं कर सकेंगे जो डेंटिस्ट्री होगी या मेडिसिन की जॉब होगी जो कि लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा कोई भी जॉब होगी वो फुल टाइम कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL Consultants। दोस्तों, अगर आप यूके में एज अ डिपेंडेंट जाना चाहते हैं तो आपने ये लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि यूके में अब डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। तो इस न्यूज़ की क्या सच्चाई है, इसके पीछे कोई और रास्ता है कि क्या आप यूके में अभी भी एज अ डिपेंडेंट वीज़ा जा सकते हैं, तो उसके हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइम तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी कंट्री में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कम्प्लीटली गाइड करेगी और आपकी प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके में डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड है या नहीं। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से यूके के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हुआ है कि उसने डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया है। लेकिन डिपेंडेंट वीज़ा किन के लिए बंद हुआ है? डिपेंडेंट वीज़ा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बंद हुआ है जो वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यानी कि BS के कोर्स में पढ़ रहे हैं या वहाँ पे कोई डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं टॉट प्रोग्राम में, वो भी एलिजिबल नहीं है। जो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के पार्ट टाइम स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी यूके में डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबल कौन है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करें जिसको मास्टर डिग्री भी कहते हैं रिसर्च बेस पे, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपको आपकी मास्टर डिग्री में थीसिस की बेस के ऊपर आपको डिग्री मिलेगी तो आप यूके में डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप Level 8 का कोर्स जिसको PhD कहते हैं, अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो PhD के कैंडिडेट्स को भी अभी भी डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड है। अब हम आते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके में डिपेंडेंट आप अपने स्पाउस के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ को आप यूके में एज अ डिपेंडेंट बुला सकते हैं। इसके अलावा आपको ये फैसिलिटी भी यूके की गवर्नमेंट देती है कि अगर आपके चिल्ड्रन हैं जो कि अंडर एज 18 से हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप यूके में अपने डिपेंडेंट के तौर पर बुला सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स होंगे या सिबलिंग्स हैं, बहन भाइयों और पेरेंट्स को आप यूके में एज अ डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं बुला सकते, उनको अपने अपने अलग रूट्स पे आना पड़ेगा। तो आप सिर्फ अपने बच्चों और अपने स्पाउस को ही यूके में डिपेंडेंट वीज़ा पे बुला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आपको क्या फैसिलिटी देती है। डिपेंडेंट वीज़ा में अगर आपके बच्चे 16 ईयर एज या उससे अप में हैं तो उनको यूके में फुल टाइम वर्क भी अलाउड होता है। इसके अलावा आपका जो स्पाउस होगा उसको भी फुल टाइम वर्क अलाउड होगा। वो सिर्फ ऐसी जॉब्स नहीं कर सकेंगे जो डेंटिस्ट्री होगी या मेडिसिन की जॉब होगी जो कि लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा कोई भी जॉब होगी वो फुल टाइम कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर आपको फ़ीस कितनी पे करना पड़ेगी। दोस्तों, इसकी £490 फ़ीस है यूके डिपेंडेंट वीज़ा की, वो आपने पे करना होगी। इसके साथ साथ आपको यूके हेल्थ सरचार्ज पे करना होगा। जिस तरीके आप अपने स्टडी वीज़ा पे हेल्थ सरचार्ज पे करके गए थे, इसी तरीके आपने अपने हर डिपेंडेंट का अलग से हेल्थ सरचार्ज पे करना है। तो ये आपको एक थोड़ी सी अमाउंट बनती है, ये आपने पे करनी है। इसके साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होती है जो कि आपको एज अ बैंक स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना होता है कि मेरा जो डिपेंडेंट मेरे पास आ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं फाइनेंशियली रेडी हूँ। ये बैंक स्टेटमेंट आप अपनी भी दे सकते हैं, जो बंदा आ रहा है अगर आपका स्पाउस आ रहा है तो वो अपनी भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनर लंदन में है तो आपको तकरीबन £845 पर मंथ के हिसाब से एक साल की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी। इसी तरह से अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन एरिया के बाहर की है तो आपको £680 पर मंथ के हिसाब से एक साल की बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यूके में अभी भी आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप PhD में या मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप अभी भी अपने डिपेंडेंट को यूके में बुला सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी यूके में अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारी पाकिस्तान की ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इस वक्त UAE में रेजिडेंस हैं
तो आप यूएई की भी हमारी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। यूएई में हमारी ब्रांच ओपन हो चुकी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका वीडियो का लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। हमने अपने ऑफिस का एड्रेस आपको कम्प्लीटली गाइड किया है, वहाँ पर हम आपको इटली ऑस्ट्रिया के हवाले से स्टडी के ऑप्शन देते हैं। इसके अलावा अगर आपने सेटलमेंट की तलाश में है तो आपके लिए विजिट वीज़ा का ऑप्शन भी मौजूद है। कनाडा विजिट का भी हम अप्लाई करवा रहे हैं, इसके हवाले से हमारी डिटेल गाइडेंस की वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल हमें हमारे दिए गए नंबर्स पे सेंड कर दें, फिर आपको आपकी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और आपके पर्पज़ के हवाले हमारी टीम आपको कम्प्लीटली गाइड कर देगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।